अजमेर के केकड़ी में भाजपा की ओर से 6 सूत्री मांगों को लेकर आज आधे दिन के लिए शहर के मुख्य बाजार बंद रहे। जहां इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि नरेगा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। साथ ही भाजपा समर्थकों पर द्वेषता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को निलंबित किए जाने का भी विरोध किया है। इसके अलावा बंद के दौरान दुकानें खोलने वालों का गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। नारा दिया था अब तो न्याय होगा, लेकिन कांग्रेस का अन्याय देखिए। हमारी प्रमुख रूप से 6 मांगे हैं। सबसे पहली, नरेगा में जो गांव में नरेगा कार्यक्रम चल रहा है, नरेगा में श्रमिक लगाए जाते हैं, जो प्रशिक्षित मेड थे उन सबको हटा दिया, उनकी जगह प्रशिक्षित